विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद् भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति 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 ही। ओम सबको नमस्ते। वैदिक संस्कृति के स्वाध्याय क्रम में सृष्टि की रचना के विषय को हम देख रहे हैं। कैसे ईश्वरीय संकल्प से इस संपूर्ण सृष्टि का आरंभ हुआ, उस प्रक्रिया के अंतर्गत मनुष्य शरीर की रचना हुई और समस्त देवता हमारे इस पुरुष शरीर में सभी ने आश्रय पाया। आश्रय पाने के पश्चात जब ईश्वर ने देखा कि लोगों की रचना हो गई, लोकपालों की रचना हो गई, लोकपालों के अधिष्ठान इस पुरुष शरीर की रचना हो गई, फिर सभी देवताओं ने अपने अपने अधिष्ठानों में इस शरीर में आश्रय पा लिया, फिर भूख और प्यास को भी बनाया। और भूख और प्यास को क्या किया, तो देखिए क्या हुआ। तो कह रहे हैं, तम अश्नाया पिपासे अब्रुताम। तम उस परमात्मा से, उस परमात्मा को अश्नाया पिपासे अब्रुताम। अश्नाया भूख और पिपासा प्यास। तो भूख और प्यास ने उस परमात्मा को कहा, क्या कहा, उनसे बोले, आवाभ्याम अभिप्रजानी ही, हमारी भी, हम दोनों की भी आप प्रतिष्ठा बताएं, हमें बोध कराइए कि हमारी प्रतिष्ठा कहाँ होगी, हमारा आश्रय स्थान कहाँ है। देवताओं ने तो पुरुष शरीर में प्रवेश पा लिया, भूख और प्यास उन्होंने कहा कि हमें भी तो बताइए हम कहाँ जाएं। ते अब्रवीत एतासु एव वाम देवतासु आ भजामी। तो उनको बोले कि एतासु एव देवतासु आ भजामी, वाम हम, मैं तुम दोनों को इन देवताओं में ही भागीदार कर देता हूँ। ये जो देवता हैं पुरुष शरीर में गए हैं, तो भूख और प्यास से कहा कि आपको अलग से कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, आपके लिए कोई अलग से कोई देवता बनाने की आवश्यकता नहीं है, ये जो देवता हैं आठों देवता हैं इन्हीं में प्रत्येक में कर देता हूँ आपको। देवताओं को हवी दी जाती है, देवताओं को तृप्त किया जाता है, तो उन देवताओं की तृप्ति के लिए उन देवताओं को भी भूख और प्यास लगती है। पर देवताओं की भूख और प्यास कैसी होती है, ये जो वातावरण के, वायुमंडल के, अंतरिक्ष के, ये जो परमपिता परमात्मा ने इस मनुष्य शरीर में सृष्टि के आरंभ में जो देवतागण बनाए हैं और जिन देवतागणों ने हमारे शरीर में आश्रय पाया है, इस प्राणी जगत में आश्रय पाया है, वो देवता कैसे हैं, उनकी भूख कैसी है, उनकी प्यास कैसी है, तो उस विषय में बता रहे हैं। तो उनकी भूख प्यास उनको भी लगती है, उपनिषदकार तो बता रहे हैं। तो फिर उनको कहाँ किया भूख और प्यास को, भूख एक अलग विषय है, प्यास एक अलग विषय है। उन दोनों ने जब परमपिता परमात्मा से प्रार्थना की, हमें भी कहीं करो, तो उन्होंने कहा कि आपके लिए अलग से नहीं, आपको देवताओं के साथ ही लगा देता हूँ। कहा ना, एतासु एव देवतासु आ भजामी, इन देवताओं में ही लगा देता हूँ, एतासु भागिन्यौ करोमी, और इन्हें में ही भागिन्यौ भागीदार कर देता हूँ तुम दोनों को। अरे एक पिता के दो पुत्र होते हैं या एक पिता के दो संतान होती हैं, संतान इसलिए कहा, संतान में पुत्र और पुत्री दोनों आते हैं, दोनों ही बराबर के भागीदार होते हैं। हालांकि बेटियों का, बहनों का तो आनंद ही आनंद है,
यहाँ भी भागीदारी और विवाह उपरांत वहाँ भी भागीदारी। कुछ लोग आरक्षण की बात करते कि बहनों को 33% आरक्षण देना चाहिए, 50% आरक्षण देना चाहिए। हम अपनी वैदिक संस्कृति का जब अध्ययन करते हैं गंभीरता पूर्वक, राजा रानियां हमारे देश में, बहनों ने वेद पढ़े हैं, वेदों की विद्वान हुई हैं, प्रकांड विद्वान, शास्त्रार्थ में बड़े बड़े महारथियों को हराया है, ऐसे वेद की विदुषियां। शासन किया है राज्यों पर और अच्छे से कुशल शासन किया है, युद्ध लड़े हैं, किसी भी क्षेत्र में माताएं कभी भी पुरुषों से पीछे नहीं रही। घर परिवारों के भी जो उत्तरदायित्व हैं, क्या वो किसी से कम है? पुरुष हैं, करके देख लें। 7 दिन तक संकल्प लें कि मुझे प्रातःकाल से लेकर के रात्रि पर्यंत सारे कार्य स्वयं करने, परिवार में जो भी 8, 10, 5, 4, 2, आजकल तो न्यूक्लियर फैमिली का एक कार्यक्रम हो गया है, ठीक है, कहीं कहीं आवश्यकता भी है, जहाँ आवश्यकता है वहाँ ठीक है, लेकिन जहाँ आवश्यकता ना हो तो वो फैशन के रूप में उसको ना करें, संयुक्त रूप से ही रहें। बहुत विकास के अवसर होते हैं, बहुत चीज़ें हम सीखते हैं। तो वहाँ पर क्या हुआ, जब प्रातःकाल से लेकर रात्रि पर्यंत आप काम करेंगे तब आपको अंदाजा होगा कि माताओं के जीवन में छुट्टी नाम का कोई तत्व नहीं होता। जिसको आप छुट्टी कहते हैं उसमें तो माताओं को विशेष कार्य करने होते हैं। कोई बाहर सर्विस करता है, नौकरी करता है, कहता है आज तो दीपावली की छुट्टी है, उसका तात्पर्य क्या हुआ, माताएं जो प्रतिदिन साधारण कार्य करती थी, दिवाली आते आते उनको और अधिक विशेष कार्य करने पड़ेंगे। बाहर कार्य करने जाते हैं, कहते हैं आज तो होली की छुट्टी है, होली की छुट्टी, और माताओं को रात रात भर जाग कर कुछ पकवान बना रही हैं, कुछ कार्य कर रही हैं, और कितने प्रेम से, कभी उलाहना भी नहीं देती, कभी ऐसा भी नहीं कहती कि हमने तो आपके लिए गुंजिया बनाई है, आपने हमारे लिए क्या बनाया है। इतना प्रेम, इतने एकत्व की भावना से, तो माताओं के तो प्रतिदिन के प्रतिक्षण के त्याग को, प्रेम पूर्वक त्याग को, जिसको कि उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया है, उनको हम सभी नमन करते हैं। कितना तप है जीवन में माताओं के, चिंतन कीजिए। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन भोजन बनाइए, भोजन बनाकर बर्तन साफ कीजिए, तप का पता तो तब चलेगा। कितना फर्श साफ साफ करना, झाड़ू पोंछा सब कुछ करना, और कई माताएं तो मिसाल कायम करती हैं, ज्वलंत उदाहरण प्रस्तुत करती हैं कि शादी भी हो गई, बच्चे भी छोटे हैं, घर के सारे कार्य भी करती हैं, और सिविल सर्विसेज में भी टॉप करती हैं, अच्छे मार्क्स लाती हैं, प्रोफेसर बनती हैं। आप सोच कर देखिए, और सहन शक्ति कितनी माताओं में, अपरिमित, धैर्य अपरिमित। तो माताओं के हृदय के विषय में तो कहा जाता है कि उसकी था तो पाई नहीं जा सकती। तो बारंबार हृदय से माताओं के त्याग को, माताओं के प्रेम को, वात्सल्य को हम सभी को नमन करना चाहिए, करके देखें आप। तो ये भाव कैसे आते हैं, ये ठीक ठीक मूल्यांकन करना कैसे आता है हमें? ये मूल्यांकन करना आता है जब हम अपनी पवित्र पावन वैदिक संस्कृति का अध्ययन करते हैं। वहाँ पर जो माता को निर्माता कहा गया है, माता निर्मात्री भवति, कि माता निर्माण करने वाली होती है। जो पुरुष माताओं को
अपने से कम मानते हैं उनको सदैव यह स्मरण रहना चाहिए कि हमारी जननी माता ही है, और जो जिसको जन्म देता है वो उससे बड़ा होता है। माताओं की महिमा एक मां बनकर ही जानी जा सकती है। ठीक ठीक गुरुकुल में, विद्यालयों में, या वो पिता किसी कारणवश जिन बच्चों की माताएं नहीं हैं, उन बच्चों के पिताओं से पूछिए कि कितना भारी होता है उस माँ की कमी को पूरा करना। और कमी तो पूरी होती ही नहीं है कभी। पिताओं के विषय में भी ऐसा ही है, कोई पिताओं को डिमोरलाइज होने की आवश्यकता नहीं है कि उदास हो जाएं कि माता ही सब कुछ करती हैं, हम तो कुछ नहीं करते। आप भी करते हैं, पिता का भी अपना महत्व है, पर जब बात तप की, त्याग की आती है तो माताएं आपसे ऊपर ही रहती हैं। ये नितांत सत्य है, सभी शास्त्र इसको कहते हैं। तो हम देखें करके, 5-7 दिन करके देखें। पिछले कुछ विगत कुछ वर्षों में, पीछे मुगलों के आक्रमण हुए, आक्रांता देश में आए, संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट किया, फिर अंग्रेजी शासन रहा, मदर्स डे, फादर्स डे, इस तरह के, ठीक है, कोई वैर नहीं, जो भी शुभ, जो भी अच्छी भावना से हो करते रहने चाहिए। वहां का एक कार्यक्रम अलग है, वहां कुछ को छोड़ दो तो अधिक को तो यही नहीं पता होता माता क्या, कौन है, पिता कौन है, दादा दादी कौन है, एक संयुक्त परिवार की रूपरेखा ही नहीं है वहां। एक प्रश्न है, कोई बुजुर्ग महिला से आकर के कोई पत्रकार पूछने लगे कि माता जी आपके कितने पति हैं, तो वो तो सही सलामत घर जा नहीं सकता, पत्रकार हो चाहे कोई भी हो। अगर घर परिवार में बैठ के अगर ये प्रश्न पूछ लिया उसने गलती से, तो उसकी तो पिटाई निश्चित है, क्योंकि ये सोच अभी नहीं जा सकता है, करना तो दूर की बात है। एक पतिव्रत धर्म का पालन करते हुए पूरे जीवन को आनंद के साथ, शब्दों पर ध्यान देना, पूरे जीवन को कोई गमगीन माहौल बनाकर नहीं, आनंद के साथ अपने कार्यों को करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, परिवार की एक संरचना को पूरा करते हैं। और यही प्रश्न विदेशों में पूछ लो आप किसी बुजुर्ग माता से, कोई कहेगी 5, कोई कहेगी 6, कोई कहेगी पता नहीं, कुछ होंगे, ऐसा नहीं सारे होते, पर वो संख्या बहुत कुछ है, बहुत कुछ मार्जिनल, नगण्य, ना के बराबर। लेकिन भारत में अधिकांश, भारत में ऐसी संख्या मार्जिनल, 1-2 जो न्यूक्लियर हैं, जो कोई ऐसा 1-2 या 3 वाले। तो सोचिए, भारतीय परंपरा, ऋषियों के उपदेशों से, हमारी जो वैदिक संस्कृति हमारे नस नस में, रक्त के एक एक कतरे में समाई हुई है, उसको निकाल पाना तो असंभव है। यूं कहते हैं ना कि बुजुर्गों के विषय में, किसी बुजुर्ग व्यक्ति के घुटनों में दर्द हो जाए तो एक गांव की देहाती भाषा में ऐसे बोल देते हैं, भाई घुटनों का दर्द तो चिता पे ही निकलेगा, ऐसे। मतलब कि भाई घुटनों में दर्द हो गया बुजुर्ग व्यक्ति के, तो फिर वो ठीक नहीं होगा, चलते रहेगा भी, चलो वो ऐसे एडजस्ट कर लेते हैं। हालांकि इलाज करना चाहिए उसका, और जो भी हैं धीरे धीरे आराम होगा उसमें, प्राणायाम आदि करें, प्राणांतक तेल की मालिश करें, जो भी, बहुत औषधियां हैं अपनी, मेरा विषय आयुर्वेद चिकित्सा बताने का भी नहीं है। उसके लिए पतंजलि योगपीठ के माध्यम से, परम श्रद्धेय श्री स्वामी जी महाराज, परम श्रद्धेय श्री आचार्य जी महाराज के माध्यम से बहुत विषय लिए जाते हैं। प्रतिदिन आस्था चैनल आप देख सकते हैं, उस पर प्रातःकाल 7:30 से 8 बजे तक आता है, श्रद्धाचार्य श्री जी जड़ी बूटियों के विषय में बताते हैं, परम श्रद्धेय श्री स्वामी जी महाराज विशेषकर
प्रातःकाल का जो सत्र होता है 5 बजे से, उसमें भी योग प्राणायाम के विषय माध्यम से सारे रोगों की चिकित्साओं के विषय में बताते हैं। शाम को भी 8 बजे से 9 बजे तक प्रतिदिन आता है कार्यक्रम। तो ऐसे हैं, हमारे अंदर एक ललक हो, जिजीविषा हो, जानने की इच्छा हो, तो हम रोगों को दूर कर सकते हैं किसी भी आयु में। कहावत है इसलिए बताओ। तो कहने की बात यह है कि जो भारतीय हमारी संस्कृति है, वैदिक संस्कृति है, इसके तार इतने गहरे, इसकी तरंग वीणा बजाते हैं ना तो झंकार होती है ना, वो अंदर तक जाती है। तो ऐसे ही हमारी वैदिक संस्कृति, भारतीय संस्कृति हमारे अंदर अंतरतम की गहराइयों तक समाई हुई है। भारतवर्ष में पैदा होने वाले प्रत्येक व्यक्ति के अंदर कहीं गहराई तक वो है। संबंध कैसे कैसे उनमें स्थायित्व आए, तो ये केवल उपदेशों से नहीं आता। कुछ तो है इस भारतीय भूमि पर, कुछ तो है जो ऋषियों ने तप किया है। ये तो 100-150-200 साल का कालखंड ऐसा रहा कि जो संस्कृति में थोड़ी गिरावट आ गई। अब कुछ है ही नहीं, मदर का ही नहीं पता, तो इसलिए मदर्स डे बना लेते हैं कि भाई किसी की माताजी, पिताजी और माताजी आजकल तो दूसरी हैं। जन्म पहले हुआ था 10 साल पहले, तो वो माताजी दूसरी हैं या तीसरी हैं या चौथी हैं। तो कम से कम उस दिन वो जाके उनको फ़ोन कॉल कर लेते हैं या जाके मिल लेते हैं कि अच्छा आप मेरी माताजी हैं वर्तमान में, तो चलो आप दूसरे तीसरे जहाँ भी हैं, तो वो एक स्नेह तो रहता ही, माता तो माता ही है, चाहे यहाँ की हो चाहे वहाँ की हो, भावनाएं तो सभी की रहती हैं। तो एक ऐसी भावना है, तो फिर उन रिश्तों को यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया। यहाँ तो हमारी माता हमेशा रहती ही हैं सामने, यहाँ तो है ही माता, यहाँ तो माता के रूप में किसी दूसरी स्त्री की कल्पना करते ही नहीं हम। तो इसलिए प्रतिदिन प्रतिक्षण हमारी संस्कृति क्या सिखाती है, प्रातःकाल उठो, सबसे पहले धरती माता को नमस्कार करो, नीचे बैठकर घुटने टेक कर माथे को धरती माता के ऊपर लगाकर। जो शहरों में रहते हैं, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, टेंथ फ्लोर पर रहते हैं, उनको नीचे भूमि पर आकर के माथा टेकने की आवश्यकता नहीं है। ये भावनात्मक बातें हैं ना, भावना प्रधान। वहीं 10वें फ्लोर से ही अपने फ्लोर पर, बेड से नीचे उतर के फ्लोर पर ही धीरे से माथा टेक करके प्रेम से हाथ जोड़ करके एक बार धरती माता को प्रणाम करें। फिर अपने माता पिता को, उनके पास में रहते हो तो उनके कक्ष में जा करके उनको प्रणाम करें, और पास में नहीं रहते हो तो जब धरती माता को प्रणाम करें उनको भी स्मरण करें। एक संवेदनाएं माता के प्रति, कृतज्ञता का भाव माता पिता के प्रति, और भी गुरुजनों के प्रति, आचार्यों के प्रति, सभी के प्रति करें, लेकिन इनके प्रति तो विशेष करें। परमपिता परमात्मा के प्रति, धरती माँ के प्रति जिसने आश्रय दिया है, और अपने माता पिताओं के प्रति, एक गुरु के प्रति, ये तो अवश्य क्या करें। प्रतिदिन कितना समय लगता है, कितना समय लगता है, 10 सेकेंड, 1 मिनट का भी छठवां हिस्सा, इतने से बात बनती है। मन में धीरे धीरे श्रद्धा उत्पन्न होती है, और वो श्रद्धा, वो भावना हमें कभी गलत कार्य को करने के लिए प्रेरित नहीं करेगी, रोक देगी उस समय। जब प्रतिदिन हमें माता पिता का स्मरण करेंगे, अपने गुरुजनों का स्मरण करेंगे, उस परमपिता परमात्मा का स्मरण करेंगे, तो हमारे मन में प्रातःकाल उठते ही पवित्र विचार उत्पन्न होंगे, जो कि कभी भी किसी भी आलंबन में उठने वाले गलत विचारों को रोकने में सक्षम है। एक एंटीडोट उत्पन्न हो गई हमारे अंदर प्रातःकाल से ही। रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसी, जो उत्पन्न होने वाले विचार हैं गलत, उनको पहले से ही रोकने की क्षमता उत्पन्न हो गई। जैसे योग से आरोग्य प्राप्त होता है कि स्वस्थ व्यक्ति बीमार ही नहीं पड़ेगा, तो ऐसे ही इस प्रकार के कार्य करने से, प्रातःकाल इस प्रकार करने से, फिर स्नान ध्यान के पश्चात संध्या वंदन आदि करने से, ऐसे हमने हार्मोन्स उत्पन्न कर लिए अपने अंदर, ऐसे विचार उत्पन्न कर लिए हैं, एक कवच बना लिया है, विकारों से दूर रहेंगे, कोई विकार हमारे पास नहीं आएंगे, जीवन में पवित्रता सत्व बढ़ता ही जाएगा, हम सभी के प्रिय होते जाएंगे। तो क्या कहा,
कि माताओं के विषय में, तब की बात, 50% आरक्षण, 33 था कि 50 करो। हमारी वैदिक संस्कृति तो 100% आरक्षण देती है, 100%। यहां तो माताओं के, बहनों के प्रति भाव कोई 1-2% का नहीं है, 33 का नहीं है, 100% का भाव है। आपको नहीं पता है वो एक अलग बात है, कुछ को तो पता ही है। किसी गांव में कोई व्यक्ति डॉक्टर हो तो उनकी धर्मपत्नी को क्या कहते हैं? डॉक्टर नहीं जी होती हूँ। किसी के पति मास्टर साहब हो तो उनकी धर्मपत्नी को क्या उपाधि मिलती है? गांव की बिल्कुल सामान्य भाषा बता रहा हूं, मास्टरनी जी बोल देते। किसी के पतिदेव प्रधान हो उनको, आओ जी प्रधानन जी आओ, ऐसे और जीवन भर चलती है वो उपाधि। पति की प्रधानी उतर जाए तो उतर जाए, जो माता है उसकी प्रधानी नहीं उतरती, आजीवन चलेगी उनके साथ। कितना सम्मान देते हैं, वो है मजाक में नहीं है, ये रहता है। इस भारतीय संस्कृति, वैदिक संस्कृति की महानता का, हाँ हमें ना पता हो एक अलग विषय, अज्ञानतावश हम ये बात कहते हैं। कुछ 1-2 अपवाद रह जाते हैं, अपवाद कभी भी आदर्श नहीं होते। जैसे हम देखते हैं कि किसी गांव में 5 बेटियां हैं, 5 परिवार हैं, और वो परिवार आपस में बातचीत नहीं करते। बड़ा गांव है, हर गांव में ऐसे तो बातचीत होती है, गांव की संरचना थोड़ी सी टिपिकल भी है, बहुत सरल भी नहीं है इतनी। 2 बड़े गांव हैं, एक गांव में 5 बेटियां हैं, बहुत हैं, 5 हैं, और एक बड़ा गांव है। इस एक गांव में एक गांव की 4 बेटियों की शादी हो गई, 5वीं बेटी की शादी भी इसी गांव में तय हो गई। अब गांव की संरचना को देखिए, उन बेटियों के मूल परिवार, माता पिताओं के परिवार में आपस में बोलचाल नहीं है, बड़ा गांव है, अलग अलग कुटुंब के हैं। लेकिन जब कोई रिश्ता करने आता है, कोई कार्य करने आता है गांव में, तो वो व्यक्ति 5-4 अन्य बेटियों के घर भी सामान भिजवाते हैं। कोई फंक्शन होगा, कोई कार्यक्रम होगा, तो सबके घर में वो व्यक्ति आएगा। उन गांव से एक व्यक्ति आता है, कोई भी जो संदेश देने वाले होते हैं, ऐसे भेजते हैं, परंपरा है गांव में, आज भी चल रही है, तो वो आएंगे, फल फूल जो भी, वो सभी बेटियों के घर देकर आएंगे और उनको बताएंगे कि उसका रिश्ता उसके यहाँ हो गया है। ऐसे आज भी है, एकता का कैसा मिश्रण। वो 5 बेटियां गांव में ना बोलती और गांव में वो बहनों की तरह रहती हैं। और जिन 5 घरों में शादियां हुई हैं, अब उन 5 घरों में बोलचाल प्रारंभ हो जाती है, और यहां चूंकि शादी हो चुकी है, तो अब उन 5 कुटुंब में भी बोलचाल प्रारंभ हो जाएगी। यह है गांव की संरचना। तो एक बार आप लोग अपनी संरचना पर अभिनंदन कीजिए, प्रसन्न होइए। और ये शहर जो है, ये कहाँ से है? ये भी तो गांव के ही हैं, गांव के व्यक्ति जाकर शहरों में बस गए। तो हम जहां पर भी हैं, हमें इस तरह के शुभ जो हमारी परंपराएं चल रही हैं उनको बढ़ाना चाहिए, उनको विकसित करना चाहिए। ये कोई छोटी मोटी बातें नहीं है, मित्रता बहुत बड़ा गुण है मनुष्य के विकास के लिए। तो ये मित्रता बढ़ाने वाला, संबंध बढ़ाने वाला कार्य है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि मैं मूल विषय पर आता हूं कि माताओं की अपने यहां भारतीय संस्कृति में, वैदिक संस्कृति में माताओं का बहुत महत्व है। तो बात थी कि सभी देवताओं में भूख और प्यास को ईश्वर ने समान मात्रा में कहा कि आप सभी में भूख और प्यास ने कहा कि हमें कहीं, हमें तो एडजस्ट करो। तो उन्होंने कहा मैं तुम्हें इन्हीं देवताओं में एडजस्ट कर देता हूँ, इन्हीं देवताओं में भागीदार बना देता हूँ। फिर कहा कि ते अब्रवीत एतासु एव वाम देवतासु आभजामी,
एतासु भागिन्यौ करोमि इति। तस्माद् यस्यै कस्यै च देवतायै हविर्गृह्यते भागिन्यौ एव अस्याम असनाया पिपासा पिपासे भवतः। असनाया पिपासा, भूख और प्यास को यस्य कस्यै च देवतायै हविर्गृह्यते, जिस किसी भी देवता के लिए हवि ग्रहण की जाती है, जिस किसी देवता के लिए भी उसी में, उस हवि में ही भूख और प्यास को भागीदार बना दिया ईश्वर ने। तो इस प्रकार से भूख और प्यास सभी देवताओं के लिए, सभी देवताओं को जो हम जो भी हवि देते हैं, उस हवि में भूख और प्यास भी भागीदार होती हैं। अर्थात हम यज्ञ अगर कर रहे हैं तो यज्ञ में हम हवि प्रदान करते हैं, तो यज्ञ के जो देवता हैं, वायु देवता हैं, अग्नि देवता हैं, यज्ञ तो सभी देवताओं का मुख है, यज्ञ को इतना महत्व क्यों देते हैं? यज्ञ को श्रेष्ठ कर्म और श्रेष्ठतम कर्म क्यों कहते हैं? श्रेष्ठतम कर्म कहते हैं, एक तो श्रेष्ठ तो उच्च कोटि का है ही, और उच्च कोटि के भी यदि प्रथम 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 कोटि के व्यक्ति हों, तो उन प्रथम कोटि के व्यक्तियों में भी, उन सभी से भी जो श्रेष्ठ हो उसको श्रेष्ठ तम कहा जाता है। वो पढ़ते हैं ना डिग्री, गुड, बेटर, बेस्ट, तो तम, ऐसे ही संस्कृत भाषा में, संस्कृत भाषा से ही सब भाषाएं उत्पन्न हुई हैं, संस्कृत भाषा में तो पहले से ही है तरप और तमप प्रत्यय होते हैं, दो में श्रेष्ठता बतानी हो तो तर, और अधिक में बतानी हो तो तम, अधिकतम और उसकी सुपरलेटिव डिग्री। तो आज हमने इस अंक में देखा कि सभी देवताओं को भूख प्यास से संयुक्त कर दिया है, अब उन भूख प्यास को मिटाने के लिए भी तो परमात्मा कोई व्यवस्था करेंगे। तो अगले अंक में हम देखेंगे कि देवताओं की भूख और प्यास को मिटाने के लिए भी परमात्मा ने क्या व्यवस्था की है। तब तक के लिए नमस्कार। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।